तो हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के सिटी में आ चुका है एक जाइंट मॉन्स्टर जिसने कि हमारी सिटी पे हमला कर दिया है। लेकिन आया कहाँ से, चलिए देखते हैं। तो आज जो हमारी सिटी है उसके अंदर खुला एक बहुत बड़ा और नया म्यूजियम जिसके अंदर मुझे खासकर इनवाइट किया गया है और मैं आज जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने लिए एक अच्छे से कपड़े पहनते हैं और जल्दी से जल्दी कपड़े पहन के मैं निकलता हूँ। वैसे भी टाइम कम है मेरे पास, तो मैं जल्दी से तैयार होता हूँ और जल्दी से निकलते हैं वो म्यूजियम की तरफ। तो अभी मैंने नए कपड़े पहन के रेडी हो चुका हूँ, तो जल्दी से चलते अपने KTM पे बैठ के अपने म्यूजियम की तरफ जो कि ब्रांड न्यू खुला है। तो मेरा प्लान है कि अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं खरीद भी सकता हूँ क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पास। तो जल्दी से अपने KTM पे बैठते और चलते वहाँ पे म्यूजियम पे। लेकिन म्यूजियम है कहाँ पे वो मेरा दोस्त मुझे मेल करेगा रास्ते में। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं, इतना मुझे पता है, पास में ही है। तो मैं बचा बचा के चलता हूँ अपने KTM क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको मैंने बहुत मॉडिफाई किया है और अगर मैं लोड पे निकाल दी तो ठुक भी सकती है। तो इसको बचा बचा के जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ मैं म्यूजियम पे, क्योंकि मैं लेट तो ऑलरेडी हो चुका हूँ और बहुत सारे नए नए लोग आने वाले बहुत सारे। तो मैं म्यूजियम में तो आ चुका हूँ और भाई इस म्यूजियम में इतनी लाइट है तुमने देखो भाई, मेरा चेहरा इतना ग्रो कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, अभी तो ये देखो ये सारी जितनी चीज़ें, ये पूरी की पूरी गोल्ड से बनी है भाई साहब। बहुत प्राचीन चीज़ें इस म्यूजियम में और बहुत खतरनाक चीज़ें भी है, बहुत नई नई, इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत सारी खतरनाक चीज़ें यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगे, अगर इनको हाथ लगा दिए तो पैसे भरने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, तो कुछ लोग चले गए वो कुछ पीछे है। तो मैं इनको पूरा देखता हूँ म्यूजियम को अच्छे से। फिर मैं म्यूजियम घूमते एक जगह पे आ गया, लेकिन पता नहीं यहाँ पे एक स्टैचू रखा हुआ है जिसके अंदर जाके मेरी बॉडी ग्लिच कर ले, पता नहीं क्या है इसमें। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जिसको देखने के लिए अच्छे से, लेकिन मुझे तभी यहाँ पे एक बटन दिख रहा है वाइट, ये अच्छे से कैमोफ्लेज हुआ, पता नहीं क्या है। लोग इसको दबा रहे थे, एक सेकंड दबा तो दिया, अभी पता नहीं क्या हो गया भाई, मैंने बटन दबा दिया, पता नहीं क्या होगा। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो अगर इसे मैं कंप्लेन कर दिया, देख लिया होगा ना, तो मैं जला जाऊँगा, मतलब मैं जेल जा सकता इस चीज़ के लिए क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो मैं जल्दी से चलते हूँ अपने घर पर भाई साहब, जल्दी से चलते अपने घर पर। तो मैं अपनी बाइक पर आ चुका, वैसे वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारी कार्स बाइक्स पार्क थी, तो मुझे यहाँ पर लगाने पड़ी पास में अपने घर के। ये म्यूजियम पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोई बात नहीं। अभी चलता हूँ मैं अपने घर पे क्योंकि अभी मैं बहुत नींद आ रही है, मतलब बहुत थक चुका हूँ मैं आज, और आज में छुट्टी भी है। और ये आज मैं गलत रास्ता पकड़ लिया, पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गया अपना रास्ता। हाँ मिल गया। तो अभी मैं जाता हूँ जल्दी से सो जाता हूँ क्योंकि रात भी होने ही वाली है बहुत जल्दी। तो मैं जाके आराम से खा पी के सो जाता हूँ अभी। तो चलते अपने घर पे और अपनी बाइक को पार्क करते और चलता हूँ मैं अपने घर पे और आराम से खा पी के सो जाऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, तो ये पे बाइक को पार्क करते और चलता हूँ मैं घर में। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये किसी आवाज़ आ रही है भाई, ये क्या हो रहा है? जल्दी से मैं बाहर जाके देखता हूँ, बोले आवाज़ कैसे आ रही है भाई, इतनी रात को यही क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है, बाहर चल तो भाई, पता नहीं आवाज़ कैसे आ रही है। तो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, ये आधे लोग तो अभी जग रहे, पूरी लाइट चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। रुको भाई, यहाँ पे अच्छे से देखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आवाज़ कैसे आ रही है भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। पूरा का पूरा देख लिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई वॉक भी नहीं कर रहा, कोई चल भी नहीं रहा, एकदम लाइट चल रही बिल्डिंग की, पता नहीं क्या है। लेकिन आवाज़ पता नहीं कैसे आए थे, लगता है नींद में वहम होगा, कोई नहीं, मेरे को नींद आ रही, कल से काम कर जाना है, जल्दी से सो जाता हूँ अभी। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए। सुबह मैंने अपने फ्रेश हो चुका हूँ मैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए, तो जल्दी से चलता हूँ। वैसे भी मैं लेट तो नहीं हुआ, आज टाइम पे पहुँच जाऊँगा, मैं आज जल्दी उठ गया था मैं। तो अभी KTM पे बैठते और चलते, लेकिन मेरे को अभी तक समझ रहा आवाज़ कैसे थी, कोई नहीं चलते भाई, अभी कुछ होगा वहम, तो जल्दी से चलते, कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये ठुक गई मेरी गाड़ी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको इतनी मॉडिफाई करा, इतनी मॉडिफाई करा, लेकिन क्या ही बताऊँ। लेकिन लगता है अभी मेरे को इसको आराम आराम से चलाना पड़ेगा, आराम से भी ये 200-300 की स्पीड
पकड़ लेती है। तो अभी मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी से चलते अपने काम की तरफ, वैसे भी लेट नहीं होना मुझे, तो जल्दी से चलता हूँ मैं। बात तो मैं अपना काम खत्म करके आ चुका अपने घर पे, लेकिन एक मैं ज़्यादा स्पीड हो गई मेरी केटीएम की, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, कोई नहीं, अभी मेरे से काम हो चुका है मेरा और लाड भी हो चुकी है और मैं थक भी हो चुका हूँ, तो मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ अभी अपने घर पे। लेकिन सबसे पहले घर पे तो पहुँच गया, इतना स्पीड हो गई, टर्न हो गया, ओके मैं पहुँच गया, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरे को इसको थोड़े से ऐसे लेके आना है, ओके सो टर्न ले लिया, ये घुस गई मेरी गाड़ी, तो यहाँ पे बैठता हूँ मैं, अपनी बाइक को पार्क करा देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ और नींद बहुत आ रही है मुझे, तो मैं जाके अभी सोता हूँ। तो चलते अपने घर के अंदर और जाके सो जाता हूँ मैं अभी सबसे पहले, क्योंकि मेरे को कल सुबह भी बहुत सारा काम करने जाना है। तो चलते से चलते चलता हूँ मैं, सो जाता हूँ अभी, लाद भी बहुत हो गई। एक सेकेंड, ये आवाज़ दोबारा से, ये कैसे आवाज़ है, ये क्या कल भी ऐसी आवाज़ आई थी, मुझे पता नहीं है रात को ऐसी आवाज़ कैसे आ रही। भाई बाहर जाके देखना पड़ेगा, आज तो देखना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल, अगर कुछ नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा शायद, किसी को अपने गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा सिटी के, हाँ ये आवाज़ बार बार ये सुना नहीं मिल रहा ढंग से, यहाँ पे कुछ, ओ ये क्या है, वेट ये क्या, अबे ये तो एक मॉन्स्टर है भाई, ये कहाँ से आया, इसके चलने की आवाज़ थी भाई साहब, भाग लो यहाँ से, भागना पड़ेगा भाई साहब, मुझे घर तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या करो अभी इस घर को छोड़ना पड़ेगा मुझे, जब तक मौसम जा रही है भाई साहब, लोग पूरा खाली हो रहा है भाई, पूरी सिटी खाली, लोग भी भाग रहे भाई यहाँ से, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं भी भाग लो भाई, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, लेकिन ध्यान तो पड़ेगा कहीं भाई साहब, पूरा का पूरा सिटी खाली, और आखिर में मॉन्स्टर आया कैसे और कहाँ से आया भाई साहब, पता नहीं, ये मेरे को अभी जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा मुझे कैसे ना कैसे, लेकिन सबसे पहले मेरे को छुपना पड़ेगा, ये हमारा एक जो कार शोरूम है ना, उसके अंदर जो मैंने एक बेस बनाया अपने लिए, सीक्रेट बेस है मेरा, तो मैं वहाँ पे जाके रह सकता हूँ कुछ दिन के लिए, बहुत खाना वाना और बहुत एकदम मस्त लूँ मैं वहाँ पे, ये देख लूँ यहाँ पे भाई, वो इतने पास आ गए मैंने, कितने बड़ा है भाई, कितना बड़ा है वो, लोगों में इसको मारने की ट्राई करता हूँ, क्या इसको लगता है क्या, ये साइड में ये एक से टेलीपोर्ट हो पा रहा है भाई, टेलीपोर्ट हो रहा है, ये मेरी मिशन का एक से, ये क्या हो रहा है भाई, ये बड़ा हो रहा है भाई, ये बड़ा कैसे हो रहा है, स्क्रीन के अंदर घुस गया पूरा का पूरा भाई, बड़ा को छोटा हो रहा है भाई, अलग ही ग्लिच चल रहा है गेम का जो मॉन्स्टर का अलग भाई, टेलीपोर्ट हो पा रहा है भाई साहब, टेलीपोर्ट हो रहा है, गायब हो जा रहा है भाई, क्या चल रहा है, बड़ा हो रहा है भाई, ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, खतरनाक पावर इस मॉन्स्टर के पास, अगर इसने मैं पकड़ लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, जल्दी से भागना पड़ेगा मुझे, वैसे ही बहुत सारी लात हो गई और बहुत सारे लोगों ने घर पर खाली कर दिया भाई, जल्दी से भागना पड़ेगा मुझे, अपनी बाइक की फोर्स भी लगा के, मैं कार शुरू में नहीं था तो उसको लुकाने का टाइम लगता है, उसको अपना खोलने के लिए मोले टूट गई मेरी बाइक भाई साहब, गिर गया मैं भाई, वो बहुत पास होगा मेरे लोगों, लोग खाली करा के भाग रहे भाई, भाई को रहने जितना टाइम नहीं, वापस देखना पड़ेगा भाई कितने पास है, उनको देखता हूँ एक बार, तो मैं जाके बाइक भी उठा सकता हूँ, देखते हो लो एक बार भाई, वो मेरे पास है बिल्कुल ज़्यादा पास है भाई साहब, भाई इसको लोगों आते कल तो इसके ऊपर, ये क्या हुआ अभी जिस पर भाई, अरे ये गुस्से में इसको लग ही नहीं रहा भाई, इसको लग गया तब कुछ लग ही नहीं रहा इसको भाई, इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा भाई साहब, अब मेरे को भागना ही पड़ेगा, कुछ रास्ता नहीं इससे बचने के लिए, भागना पड़ेगा भाई 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 साहब, भागो भागो, एक सेकंड क्या हुआ, नहीं